मोहिनी आप हैं श्री चरण सिंह जी एहरबार जवाहर नगर वालों की ओर से ये 51 मुद्राएं और आयुष में भेजा सतानल तबी जनक बुलाए कौशिक मुनि बहादुर पठाए कौशिक मुनि बहादुर पठाए सतानंद तब जनक बुलाए सतानंद तब जनक बुलाए कौशिक मुनि बहादुर पठाए कौशिक मुनि बहादुर पठाए। हेलो हमारे श्री गोविंद दादा, गोविंद दादा इनकी तरफ से 51 रुपया प्रदान है, बहुत बहुत धन्यवाद। आज स्वयंवर कांतिम दिवस है, देश देशांतर के महिपाल आज यहां पर एकत्रित थे, लेकिन आवश्यकता है आज गुरुदेव भगवान की। आवाहन करता हूं गुरुदेव भगवान का, स्मरण करता हूं गुरुदेव भगवान का कि पधारे और आज अपने सेवक को दर्शन प्रदान करें। ओम गुरुदेवाय नमो नमः, तपोनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ मम मनोरथ के प्रेता पूज गुरुवर आपके श्री चरणों में सेवक का प्रणाम स्वीकृत हो, स्वीकार करें हमारा प्रणाम स्वीकार। राजा जनक महाप्रभु तुम्हारे द्वारा प्रणाम किया गया, प्रणाम करने का प्रतिफल होता है आशीर्वाद। अगर कोई व्यक्ति व्यवहार जगत का एक नियम है, अगर कोई व्यक्ति किसी से नमस्कार करता है तो नमस्कार का उत्तर नमस्कार होता है, और अगर कोई व्यक्ति किसी से राम राम करता है तो राम राम का उत्तर राम राम होता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी को प्रणाम करता है तो प्रणाम का उत्तर प्रणाम नहीं होता, प्रणाम का उत्तर होता है आशीर्वाद। जिस समय मैं आशीर्वाद की ओर दृष्टिपात करता हूं, पाता ये हूं कि जो व्यक्ति अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं, अपने से बड़ों का शिष्टाचार करते हैं, वृद्ध लोगों की सेवा करते हैं, उन्हें चार चीजें अपने आप प्राप्त हो जाती हैं, किसी से मांगने की कोई आवश्यकता नहीं होती। बताया गया अभिवादन शीलसु नित्यं वृद्धो पसेवना चत्वारि दशवर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। आयु विद्या यश और बल ये चार चीजें अपने आप प्राप्त हो जाती है। जब आशीर्वाद की ओर ध्यान देता हूं पाता हूं कि आशीर्वाद चार सुंदर अक्षरों से मिलकर के बना है जो प्रत्यक्ष है। आशीर्वाद में कितने अक्षर, बोले चार, बोले कौन कौन, बोले आ सा वा और दा। जब इन चार अक्षरों को मिलाया गया तब एक सुंदर शब्द बना, वो क्या आशीर्वाद है। राजा जनक तुम्हें चारों अक्षरों से सुंदर आशीर्वाद है। आसे आनंद काले बहुराज लक्ष्मी सासे शिव प्रसाद आए नवरित सिद्धि वासे वाता हता सतुगना सनान चाई दासे दकार सब्दसु दरित नासा हे राजन। इन दसों दिशाओं में यश का गान तुम्हारा हो, तुम्हारी प्रजा में राजन सम्मान तुम्हारा हो, यही आशीर्वाद है हमारा। अखंड कल्याण तुम्हारा हो, अखंड कल्याण तुम्हारा हो। कहो सेवक के द्वारा बुलवाया, बुलवाने का हेतु जानना चाहता हूँ। क्यों नहीं बाप प्रभु, आप तो देख ही रहे हैं कि देश देशांतर के महिपाल आज यहां पर एकत्रित थे। आज स्वयंवर का अंतिम दिवस है, परंतु दीनानाथ वो गादिनंदन महामुनि विश्वामित्र जी का पदार्पण इस रंगशाला के मध्य में नहीं हुआ। सेवक की लालसा ही
आप मेरे पथ प्रदर्शक बन करके महामुनि विश्वामित्र जी के पास जाएं और सर्वप्रथम उनके चरणों में हमारी ओर से वंदना कहें और कहें भगवान हमारी ओर से मुनि से प्रार्थना कहना ऋषि से वंदना कहना हमारी से भगवान मुनि से वंदना कहना ऋषि से साथ साथ में दोनों युवल राजकुमार जिस समय मेरी रंग अवनी पर आवे तो किस प्रकार से लाना है आप से मन करें माने हर दिखावे
इसी प्रस्तुति में आप हैं श्री प्रमोद राजपूत जी गढ़ी मोहाल और फिर पप्पू राजपूत जी आपकी ओर से ये 51 पुष्प मुद्राएं महाराज श्री जनक जी के चरणों में समर्पित है। और इसी प्रस्तुति में जो हमारी रामलीला कमेटी ग्राम सिवनी कुरारा हमीरपुर से पधारी है हमारे आदरणीय श्री सीलू यादव जी, उनकी ओर से भी 101 पुष्प मुद्राएं श्री जनक जी के चरणों में समर्पित है। साधुवाद। यही अंतिम विदाई पदानी पद गमर ससर गमा मेरी बिनय ये हमारी बिनय ऋषिवर के चरण हमारी बिनय ऋषिवर के चरणों हमारी बिनय हमारी बिनय ये हमारी बिनय इसी सुंदर प्रस्तुति में आप हैं पुना भैया हर्ष राजपूत टेंट एवं ब्यूटी पार्लर जिनके प्रोप्राइटर अमर राजपूत और उनकी ओर से विशेष ऑफर चल रहा है। अगर लड़की की शादी है तो उसमें 100 गद्दा 100 कुर्सी 100 कंबल और मेकअप फ्री है। 100 मुद्राएं आपकी ओर से और भैया शुरुआत राजा जनक जी की पुत्री के विवाह से ही कर दीजिए। धन्यवाद। और हमारे पुनः प्रियम गुरुदेव जी, प्रियम गुरुदेव जी उनकी ओर से 51 मुद्राएं बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। राजा जनक तुम्हारे द्वारा जो विनय भिजवाई जा रही है उस विनय को लेकर के हम जा रहे हैं। तुम उनके आने वाले मार्गों में पुष्प आच्छादित कराओ और हम इसी समय सदन सुखद जा रहे हैं। और हमारे 10 मुद्राएं अमित द्विवेदी जी व द्वारकाधीश जी इनकी ओर से 10 मुद्राएं बहुत बहुत धन्यवाद। एक बंजारा गाए जीवन के की सुनाए हम सब जीने वालों को जीने की राह बताए। एक बंजारा गाए जीवन के की सुनाए हम सब जीने वालों को जीने की राह बताए। एक बंजारा गाए हो सुनाई
सर्वप्रथम तो आपके श्री चरणों में हमारा प्रणाम स्वीकार हो। राजा जनक का भी प्रणाम आपके श्री चरणों में, आप महाराज जनक का भी प्रणाम स्वीकारे देवता। महाराज जनक का अखंड कल्याण हो। कहे सतानंद जी, आप आज आपका आगमन किस कारण से हुआ है? हे महामुनि, आज हमारा आगमन आपके पास इसलिए हुआ है कि हमारे महाराज राजा जनक जी ने हमारे द्वारा एक विनय भिजवाई है। वो विनय मैं आपके श्री चरणों में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। कहें आप मेरे इस विनय को स्वीकारें देवता। आज मिथिला में मंगल नहीं, आज मिथिला में महामंगल हो रहा है प्रभु। मिथिला में आज, हे देवता, मिथिला में आज महामंगल निपुण रंग भूमि सजाई है। निपुण रंग भूमि सजवाई है। आए नपुदेशो वहां विदेशन के सोवधिक छता छटाई। पंजाबी और मारवाड़ी कर्नाटक के अति सारे एक वर्ण के राजा एकत्रित नहीं है। ब्राह्मण धर धर आए नपुदेशो वहां विदेशन के सिए ब्याहन की सतानंद जी। जब चारों वर्ण के राजा एकत्रित हैं, तो वो राजा कर क्या रहे हैं? हे देवता, एक सिद्धांत आया है, एक सिद्धांत आया है कि स्वान सर्प नारी नृपति और पंडित मारजा तहता इनका चुक मिले तो तहता कले अपार। ऐसा नहीं है कि पंडित पंडित मिल जाए तो कलह होगी। उसका तात्पर्य यह है कि अगर दो पंडित मिल जाएंगे तो ज्ञान की चर्चाएं होने लगेंगे, मतलब वो शांत नहीं रहेंगे। अब हमारे बताने से पहले आपने बता दिया, क्योंकि बताने का क्रम गलत हो गया। नहीं नहीं, अभी तो हमने सिर्फ दोहा पढ़ा है। अगर स्वान दो कुत्ते मिल जाएंगे तब क्या होगा? जब दो कुत्ते मिल जाएंगे तो वो शांत नहीं रहेंगे। हमारे कहने का तात्पर्य ये है, तात्पर्य समझिए आप। अच्छा, जब नारियां दो नारी मिलेंगी तब क्या होगा? दो नारियों से मतलब नहीं है, अगर एक से अधिक नारी है हाँ। तो
तो फिर वो नारी शांत नहीं रह सकती, बातचीत शुरू हो जाएगी। हाँ बिल्कुल वही सत्य है। पंडित पंडित माने विद्वान, अगर एक से अधिक विद्वान इकट्ठे हैं तो उनमें शास्त्रार्थ होगा, होने लगेगा, ज्ञान की चर्चा होने लगेगी। मारजार, मारजार माने बिलार, अगर एक से अधिक बिलार है तो फिर वो शांत नहीं रहेंगे। उसी तरह से निरपति, निरपति माने राजा, अगर एक से अधिक राजा है तो वहां पर राजनीति शुरू हो जाएगी, शास्त्रार्थ होने लगे, अपना अपना बल बताने लगेंगे, फिर वहां पर वो शांत नहीं रह सकते। और वहां पर तो व्यास जी एक से अधिक नहीं है, तो राजा कर क्या रहे हैं? वहां एक से अधिक नहीं, दीप दीप के भूपति नाना इकट्ठे हैं। अब वो कर क्या रहे हैं मैं आपको बतलाता हूँ। कहां तक बतलाऊ मैं आपको, मुनिराज कहां रहे हैं, कोई भुज ठोके कोई मुच्छे थे, कोई हंसी करे कोई बदला है। आप सोच रहे होंगे कि सतानंद ने मैंने सुना दी, हम कल चले जाएंगे फिर कभी चले जाएंगे, ऐसा नहीं करना देवता। अंतिम दिन आज स्वयं अकेले नहीं जाना आपको। कैसे? दौराज कुंवर सांग ले लीजे, दौराज कुंवर सांग ले लीजे, प्रज्ञावा निछता देख मेरे को। से बोली लिए दो भाई, हर्षित होकर के बाबा विश्वामित्र जी ने राम जी लक्ष्मण जी को बुलवाया और सतानंद जी को प्रणाम करवाया। बेटा राम व लक्ष्मण,
ये अहिल्या नंदन सतानंद जी हैं। तुम दोनों बंधु इनको प्रणाम करो, वह सुंदर आशीर्वाद की कामना करो। राम हाथ जोड़ रहे हो, हाथ आप ना जोड़े, हाथ तो मैं आपको जोड़ूंगा। आशीर्वाद आप पाना चाहते हैं, आपके पास क्या नहीं है भाई? दिया उसी जाता है जिसको जरूरत होती है। जो सारे संसार को देता है भला उसे कौन क्या दे सकता है? भिखारी सारी दुनिया, लेकिन दाता एक राम। देने वाले तो आप हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूं? हाथ जोड़ रहे हैं, हाथ मैं आपको जोड़ूंगा, वंदना मैं आपकी करूंगा। क्यों? क्योंकि कुछ समय पूर्व आपके श्री चरणों की रस्सी मेरी माँ अहिल्या का उद्धार हुआ। आप मेरी माँ के पूजनीय है। जब आप मेरी माँ के पूजनीय है तो फिर आप तो सतानंद के लिए परम पूजनीय हो गए। लेकिन यही तो राम है, देख लो दुनिया वालों, देख लो दुनिया वालों, यही मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। आज परमात्मा होते हुए भी एक छत्री के भेष में खड़े हैं, तो आप छत्रित्व धर्म निभा रहे हैं। क्योंकि जो छत्री होते हैं वो ब्राह्मणों की पूजा करते हैं, वंदना करते हैं। आज परमात्मा होते हुए भी छत्री भेष में अपने धर्म को निभाते हुए आप मुझे प्रणाम कर रहे हैं। जब आप अपना धर्म निभा रहे हैं तो मैं भी ब्राह्मण हूँ, मेरा भी धर्म है कि मैं आपको आशीर्वाद तो नहीं दे सकता लेकिन कामना कर सकता हूँ। प्यासे अधर सिसकते अंतस, प्यासे अधर सिसकते अंतस, राम तुम्हें भगवान कहेंगे। तुम देख रहे हो ये जीव धरा के कितनी तुमसे आस लगाए, पलक पावले बिछा रहे हैं, निज नैनों में स्वप्न सजाए। पाकर तुमको ये सब हुए सार्थक, अगर तुम इन्हें मिल जाओ तो इनका मानो जीवन मानो जन्म लेना सफल हो जाएगा। पाकर तुमको ये सब हुए सार्थक, यही मेरे वरदान कहेंगे। प्यासे अधर सत्य अंतस, राम तुम्हें भगवान कहेंगे। लक्ष्मण तुम प्यासे जन की प्यास बुझाना, गुण अपनाना, दोष भुलाना, और जो तोड़े इन कोमल कलियों को उन सूलों पर तुम बज गिराना। भैया की सेवा तुम करते रहना, यही मेरे जब दान कहेंगे। प्यासे अधर सत्य अंतस, लखन तुम्हें भगवान कहेंगे, राम तुम्हें भगवान कहेंगे। महामुनि मैं चल रहा हूँ, आप शीघ्र पधारे। आइए देखिए, सब लोग थोड़ा सा प्रतीक्षा कर रहे होंगे कि जोकर कहाँ है। आइए उसी रास्ते की ओर चल रहे हैं। सतानंद जी निभाने आए, अब बाबा विश्वामित्र जी ने राम जी और लक्ष्मण जी को बताया। सतानंद पद बंदी प्रभु बैठे गुरु पहि जाई, चलहु दात मुनि कहु तब पठवा जनक बुलाई। राम तुम जानना चाहते हो कि सतानंद जी का आगमन किस कारण से हुआ था? मिथिला के राजा महाराज जनक अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर कर रहे हैं और उस स्वयंवर में हम सबको बुलवाया है, इसलिए सीए स्वयंवर देखें जाई इस काय है भव देव बड़ाई। हमको वहां पर चलना होगा और देखना होगा कि ईश्वर किसको बड़ाई का पात्र बनाता है। लखन कहा जैसे भाजन सोई, नाथ कृपा तव चापर हुई है मेरे महाप्रभु, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बड़ाई का पात्र बनेगा। और कहा जाता है ये सृष्टि ब्रह्मा के चलाने से चलायमान होती है, तो दूसरे ब्रह्मा तो आप ही हुए। जब एक बार आप ब्रह्मा जी से रुष्ट हो गए थे तो आपने भी तो जरायुज नाम की सृष्टि की रचना कर दी थी, तो जिस पर आपकी कृपा होगी वही बड़ाई का पात्र बनेगा। और मेरा कुछ अनुभव कह रहा है ये पहुंचेंगे श्री राम, पहुंचेंगे श्री राम तो वो अंधेरे भाग जाएंगे। मेरा अटल विश्वास यह है, मेरा अटल विश्वास यह है कि बड़ाई श्री राम पाएंगे।
बड़ाई श्री राम पाएंगे, बड़ाई श्री राम पाएंगे। और देखिए जितने मुनि साथ में हैं, सब भैया लक्ष्मण की वाणी को सुन करके लक्ष्मण जी को आशीर्वाद देने लगे कि विधाता करे लक्ष्मण भैया की वाणी सफल हो। हर से मुनि सब सुन बरबानी, दीन है आशीष सब ही सुख मानी। पुनि मुनि बृंदे सब ते कृपाला, देखन चले धनुष मखसाला। धनुष यज्ञ देखने के लिए राम जी लक्ष्मण जी और साथ में 60,000 बाबा विश्वामित्र जी के शिष्य चल पड़े उस रंग भूमि की ओर। और पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। अब आइए, चूंकि मिथिला में बहुत प्रकार के लोग हैं, कुछ अच्छे भी हैं, कुछ बुरे भी हैं, आइए सबको देखते चलें। और आप हमारे श्री